एक्टर मॉडल मिलिंद सोमन आजकल कुछ ज्यादा ही सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल इस सब की शुरुआत बीच पर न्यूड होकर रनिंग करते हुए फोटो शेयर करने से हुई। मिलिंद सोमन ने अपने जन्मदिन के मौके पर कुछ ऐसी ही फोटो शेयर की, जिसके बाद फैंस ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। जी हां दोस्तों, अपने जन्मदिन के मौके पर मिलिंद सोमन गोवा बीच पर न्यूड होकर दौड़ते नजर आए। ये फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर जैसे ही शेयर की, उन्हें ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया गया। कुछ सेलेब्स ने उन्हें सपोर्ट किया तो कुछ ने इस फोटो पर नाराजगी जताई। अब मिलिंद सोमन ने एक और फोटो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने आधे फेस पर लाल गुलाल लगाया हुआ है, जिसमें आंखों में काजल और नाक में नोज पिन पहने नजर आ रहे हैं मॉडल मिलिंद सोमन। फोटो शेयर करते हुए मिलिंद लिखते हैं कि मुझे पता है होली नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से मैं कर्जात में हूँ। मुंबई के पास एक ही शहर है, यहाँ मैंने कुछ मजेदार चीजें की है, आने वाले टाइम में और शेयर करूंगा, अभी चेन्नई के लिए रवाना हो रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मिलिंद सोमन की ये फोटो तेजी से वायरल हो रही है। जी हाँ दोस्तों, मिलिंद सोमन ने सबसे पहले सुर्खियां बटोरी अपनी न्यूड फोटो शेयर कर, उसके बाद अब चर्चा में बन गए हैं मिलिंद सोमन फिर से एक बार, क्योंकि मिलिंद सोमन का ये लुक लोगों को काफी भा रहा है और काफी हैरान भी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर नोज पिन पहने नजर आ रहे हैं मिलिंद सोमन और उनकी ये फोटो काफी शेयर की जा रही है सोशल मीडिया पर। आपको बता दें कि न्यूड फोटो शेयर करने पर कई लोगों ने कई तरीके के रिएक्शन दिए थे। मिलिंद सोमन की वो फोटो कोई अश्लील नहीं थी, जिसको लेकर कई सेलेब्स ने उनका सपोर्ट भी किया। मिलिंद सोमन की आधे गुलाल और नोज पिन पहने हुए फोटो आपको कैसी लगी है, हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा।